गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे खेत है वो बारिश के कारण यहाँ की पूरी फसल खराब हो चुकी है। बाद अब मैं बनाऊंगी ग्रीन टी, तो मेरी गुड मॉर्निंग सुबह ग्रीन टी से ही होती है। ग्रीन टी बनती है जब तक मैं घर में क्लीनिंग कर लेती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद अब मैं करूंगी किचन की क्लीनिंग। हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं। अब मैं करूंगी निक्कू को स्कूल के लिए रेडी। निक्कू को रेडी करने के बाद अब मैं बनाऊंगी उसके लिए टिफिन। तो आज मैं सोच रही हूँ उसके टिफिन में रखूँ आलू के पराठे।
तो निकू जा चुका है स्कूल, तो आप चलिए मैं जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया आलू के पराठे और चाय। अब इसके चाय के पीने के बाद अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी। तो लौकी को मैं फटाफट काट लेती हूँ। लौकी कट करने के बाद मैंने कुकर में लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल और इसमें मैं कर दूंगी जीरा ऐड। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लौकी बनाती हूँ और कुकर में फटाफट बन जाती है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए लौकी। और लौकी के बाद इसमें मैं कर दूंगी सारे बेसिक मसाले ऐड। मसाले डालने के बाद अब मैं इनको मिला देती हूँ और मिलाने के बाद इसमें ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने दूंगी। लौकी हमारी फटाफट पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं लौकी की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। मैंने इसे तेज आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था और इसके बाद इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और आप देख सकते हैं लौकी की सब्जी बनकर तैयार है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे, तो मैंने आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो छोटा बेबी भी मेरा टिक्कू अभी बात लेके सो चुका है और निक्कू को आने में अभी कम से कम 2 घंटे हैं स्कूल से। तो मैंने सोचा चलिए मैं जब तक आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो आने वाला है करवा चौथ, चौथ के लिए कपड़े लिए हैं, ना ही मैंने अभी कोई मेकअप का सामान लिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी काफ़ी टेंशन हो रही है। और इसी के बीच में हमारे घर में थोड़ा हेल्थ इशू भी हो गया था, क्योंकि पहले मुझे सर्दी हुई, उसके बाद निक्कू को सर्दी हो गई, उसके बाद टिक्कू, और टिक्कू के बाद हो गई थी उसके पापा को। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि घर में अगर किसी एक को सर्दी होती है तो उसके बाद सभी को सर्दी होती है। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई है और अभी हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और अभी मैं अकेले भी मार्केट नहीं जा सकती हूँ, मैं अकेले भी ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टिक्कू है अभी छोटा तो उसको प्रॉब्लम है। और मेरे मिस्टर को भी मिलती है सिर्फ एक ही छुट्टी हफ्ते में, तो इस बार ज़रूर कोशिश करूँगी मैं सैटरडे संडे को ज़रूर जाऊँ और मैं वहाँ से अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है। फ़िलहाल मैंने अभी कोई भी शॉपिंग नहीं की है। जब भी मैं अपनी करवा चौथ की थोड़ी भी शॉपिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने कर ली हैं आपसे बहुत सारी बातें और आज के इस ब्लॉग को करना चाहूँगी मैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, बाय।